कुमार ऐसे एक्टर थे जिनके करियर के शुरुआती 3 साल की सभी फिल्में फ्लॉप हुईं, लेकिन उसके बाद एक उनकी ऐसी फिल्म आई जिसे उस समय के फिल्म समीक्षकों ने वल्गर कहा। देश में फिल्म को बैन भी कर दिया गया, लेकिन फिल्म सुपरहिट साबित हुई और बॉलीवुड को मिला ट्रेजेडी किंग। नमस्ते, मैं अंशुल हूँ, आप हैं मंच पर। यूसुफ खान यानी बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार असल में एक्टर बनने के बारे में सोचते ही नहीं थे, मगर उनको फिल्मों से लगाव था। उनके पिता पाकिस्तान के पेशावर में फलों के व्यापारी थे और दिलीप साहब को उन्होंने एक कैंटीन में लगवा दिया। दिलीप कुमार कैंटीन भी चलाते और उसके साथ वहाँ आए हुए लोगों को अपनी कुछ एक्टिंग की अदाएँ भी दिखाते। एक बार काम के सिलसिले से वे नैनीताल गए, वहाँ भी दिलीप अपनी अदाओं के जलवे बिखेर रहे थे। इन अदाओं पर नज़र पड़ी बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय और उनकी पत्नी देविका रानी की, जो 40 के दशक की मशहूर हीरोइन थी। देविका रानी की वजह से उन्हें उनका पहला ब्रेक मिला। उनकी डेब्यू फिल्म थी 1944 में आई ज्वार भाटा। दिलीप कुमार को बेशक हिंदी सिनेमा का लेजेंड माना जाता है, लेकिन डेब्यू करने से लेकर उनके 3 सालों तक उनकी हर फिल्म फ्लॉप हुई। उनमें नौका डूबी और प्रतिमा जैसी फिल्में थी। पूरे 3 साल तक दिलीप कुमार ने फ्लॉप एक्टर का ताना झेला और फिर हुई उनकी नई शुरुआत। ये शुरुआत थी फिल्म जुगनू से, जो 1947 में भारत को आज़ादी मिलने वाले साल में रिलीज हुई। एक्ट्रेस नूरजहां के साथ दिलीप कुमार की ये फिल्म कुछ समय के लिए बैन भी, क्योंकि उसे वल्गर और छिछोरा कहा गया। उस समय के जाने माने फिल्म क्रिटिक बाबूराव पटेल ने फिल्म की बहुत बुराई की, लेकिन कुछ दिनों बाद जब बैन हटा और ये फिल्म दर्शकों के बीच आई तो सुपरहिट साबित हुई। दर्शकों ने फिल्म देखने के बाद दिलीप कुमार की खूब तारीफ की। उसके बाद साल दर साल उनकी शक्ति, राम और श्याम, लीडर, कोहिनूर, नया दौर, देवदास, आजाद, सौदागर जैसी फिल्में आईं, जिनमें किए गए उनके दमदार रोल से उनको ट्रेजेडी किंग का खिताब मिला। 11 दिसंबर 1922 को जन्मे दिलीप कुमार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि वो इकलौते ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले। वे 19 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुए, जिनमें से 8 बार ये अवार्ड जीता। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के साथ पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1994 में दादा साहिब फाल्के से नवाजे गए सैरिफ ऑफ मुंबई अवार्ड के साथ। 1997 में उन्हें NTR नेशनल अवार्ड मिला। पाकिस्तान ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज से भी सम्मानित किया है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।